हेलो वेलकम टू हेलेक्स आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की जो सीरीज़ है कंप्यूटर बेसिक ऑफ़ फंडामेंटल्स सो सबसे पहले हम पंद्रह बीस क्लासेज में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है ठीक है so, सो सबसे पहले अपन वो डिस्कस करेंगे uh, उसके बाद फिर हम अपन एडवांस कंप्यूटर की तरफ चलेंगे एडवांस कंप्यूटर में कम से कम पचास से साठ लेक्चर जो है अपन कंप्लीट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे अपने इंफॉर्मेशन असिस्टेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम और आई ऑफिसर जो की जो एग्ज़ाम होती है आई की उनके लिए जो होते हैं तो सबसे पहले अपन कवर uh, करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पंद्रह से बीस क्लासेस uh, uh, में अपन सबसे पहले फंडामेंटल कंप्लीट करेंगे सो so, फंडामेंटल क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स uh, में सारी एग्जाम्स में uh, आता है सबसे पहले अपन ये करेंगे उसके बाद फिर अपन एक एक टॉपिक पर एडवांस की तरफ चलेंगे तो so आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सो इन दिस चैप्टर आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे देखिए क्या है कंप्यूटर क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का एवेल्यूशन कैसे हुआ हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की कंप्यूटर के जनरेशन क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच कंप्यूटर जनरेशन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल यू सी यू एंड सी पी यू ऑल्सो सो ये सारी चीज़ें भी अपन आज डिस्कस करेंगे ठीक है इनसे फ्रिक्वेंटली सारे एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो ये कंप्यूटर का बेसिक है तो इसको अपन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से कंप्यूटर लेक्चर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सो so, सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर होता क्या है जैसा कि देखिए कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो एक तो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक और एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिकल ठीक है इन दोनों वर्ड्स में जो है वो डिफरेंस है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिनमें अल्टरनेटिव करंट जो है वो फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डीसी करंट जो है होता है जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज आते हैं लाइक like, ट्रांजिस्टर uh, है डायोड है ठीक है और इसमें जो है वो वायर्स uh, या फिर एसी मोटर जो होती हैं वो यूज आते हैं ठीक है तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट नाउन से जो है बना हुआ है ठीक है जैसे कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट ये एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना ठीक है इसका मतलब हुआ है कैलकुलेट करना देयरवाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड ठीक है अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है आ, अंक गणित के जो हैं तार्किक जो ऑपरेशन जो हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और भी बाकी जो हैं कैलकुलेशन जो है वो कर सकता है एट हाई स्पीड ठीक है नॉर्मल स्पीड पे तो अपन ही कर पाते हैं तो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि इसकी जो स्पीड जो है वो हाई है ठीक है कंप्यूटर इज़ द ऑल्सो कार्ड डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं बिकॉज इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा तो ये तीनों के तीनों फंक्शन जो हैं वो डेटा के फंक्शन होते हैं तो कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा को डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है और डेटा को रिट्रीव करता है जब भी इसकी ज़रूरत होती है सो so नेक्स्ट है कि डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है सो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब हो है, होता है कि आई पी और आई पी मॉडल जो है कंप्यूटर का इसका मतलब होता है पहले इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट तो पहले इनपुट होगा किसी भी चीज़ का तो डेटा का पहले इनपुट होगा डेटा पर प्रोसेसिंग होगी और फिर डेटा आउटपुट होगा जैसे कि हमको टू प्लस टू करना है तो सबसे पहले ये हो गया टू प्लस टू आउटपुट कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा आंसर देगा इसका ठीक है खुद की मेमोरी में इसको स्टोर करेगा फोर एंड आउटपुट डिस्प्ले करेगा मोनीटर पर ये है फोर तो इस तरीके से डेटा की जो है वो प्रोसेसिंग होती है तो एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग ए कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर से डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं और इसके लिए तीन जो हैं स्टेप्स हैं देखो ये डेटा उसके बाद कैप्चर का डेटा मैनिपुलेट डेटा और आउटपुट मैनिपुलेट डेटा का मतलब क्या होता है प्रोसेस कैप्चर डेटा का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट है ये तो आई मॉडल जो है ये ठीक है इस पर काम करता है डेटा प्रोसेसिंग किस पर करती है आई मॉडल पर काम करती है तो इसमें जो है देखिए दो वर्ड हैं एक तो है डेटा है और एक है इंफॉर्मेशन और इन दोनों में अंतर होता है डेटा क्या होता है डेटा होता है अनस्टोर्ड जो डेटा होता है अनसॉर्टेड जो, जो होता है जिसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट uh, नहीं होता है ठीक है और इन्फॉर्मेशन होती है जो मीनिंगफुल होती है ठीक है जैसे कि मैं अभी इसको इस तरीके से लिख दूँ तो ये जो है वो डेटा तो है अब इसकी इन्फॉर्मेशन हो इससे हम कुछ समझ पाएँ ये कोई ज़रूरी नहीं है डेटा मीनिंगफुल नहीं होता है इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होती है जैसे कि इसके आगे अगर अपन ने हम लिखते हैं हाउस नंबर तो ये अपन को फिक्स हो जाएगा कि ये जो है दो दो जो लिखा हुआ है ये हाउस नंबर है या फिर अगर अपन लिख देते हैं ईयर टू 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 तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ईयर जो है वो को इंडिकेट करता है लेकिन अगर नॉर्मली अपन कहीं पर एक जीरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये अपन को नहीं पता इसलिए सिंबलाइज करना पड़ता है जैसे कि आ, दस रुपये का जो नोट है उस पर रूपी टेन लिखा हुआ है अगर उस पर अकेला दस लिख देंगे तो कोई ज़रूर नहीं है ये दस रुपये है दस डॉलर है इसलिए डेटा में और इन्फॉर्मेशन में ये अंतर होता है ठीक है डेटा इज़ रॉ मटेरियल होता है डेटा ठीक है डेटा ये इन्फॉर्म ये याद रखना है अपनों को डेटा रॉ मटेरियल होता है यूज़्ड एज इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा आता है उसको अपन बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ठीक है सो so, एक तो ये इंपॉर्टेंट है डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है तो बेसिकली डेटा जो होता है आप इतना याद रखें कि डेटा जो है वो रॉ मटेरियल होता है एज ए इनपुट काम आता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटपुट होती है ठीक है ठीक है और आउटपुट जो है वो क्या है कि यूजर जिसको समझ सकता है यूजर अंडरस्टैंड एवं फॉर्मेट जो होता है जैसे कि अपन ने कोई नंबर दिया बहुत बड़ी कैलकुलेशन के साथ अपन ने कोई नंबर लिख दिया ऐसा बड़ा सा तो अपन उसको समझ नहीं सकते अपन को ये पता है कि सिर्फ ये एक नंबर है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस पर प्रोसेस करना जरूरी है और प्रोसेस जब होगा तो इसका जैसे रिजल्ट आया माना हंड्रेड तो अब अपन को समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये अपन समझ नहीं पा रहे थे ये अपन समझ पा रहे थे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडेबल होती है सो so, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर के तो पहला तो है कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी किसी की ज़रूरत नहीं होती है यूजर उसको चलाता है लेकिन वो प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक करता है ठीक है गिवन ए जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंसन गिविंग गिवन ए जॉब एक बार कंप्यूटर को अगर कोई टास्क दे दिया जाता है तो उसको फिर वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना किसी भी इंसान के काम करेगा स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बहुत तेज होती है माइक्रो uh, सेकंड में जो कंप्यूटर होती है माइक्रो सेकंड कितना होता है टेंस टू पावर माइनस सिक्स ये आपको याद रखना है नैनो सेकंड टेंस टू पावर नाइन ये भी याद रखना है और सेकंड ये भी याद रखना है कहने का मतलब कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है एक्यूरेसी क्या होती है कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आपने पाँच जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट आएगा बीच में डेटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए कहीं एक्यूरेसी का मतलब ये होता है जैसे कि आपने दस क्वेश्चन किए तो उनमें से आपके कितने सही हैं ठीक है जैसे कि दस क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया दस में से अगर ये की सही है तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है दस में से नाइन अगर आपने सही किए तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो जितने भी कंप्यूटर को काम दिए जाते हैं उसमें से कितने काम कंप्यूटर जो है वो अच्छी तरीके से करता है इसको अपन कहते हैं एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज द कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ द इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन कंप्यूटर के डिज़ाइन पर निर्भर करती है ये माइक्रो uh, कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है ठीक है और ये जो है uh, लिखा हुआ है एरर कॉज्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट इनपुट डाटा एंड रिलायबल प्रोग्राम्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जी की जो है फुल फॉर्म याद रखनी है ये होती है गारवेज इन गारवेज आउट ठीक है एक्यूरेसी का मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट है डेलीजेंस डेलीजेंस का बेसिक जो हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है थकान तो कंप्यूटर जो है वो काम करते हुए थकता नहीं है तो कंप्यूटर इज़ द फ्री फ्रॉम मोनोटम मोनोटोनी टायरनेस थकान से लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही है ठीक है इट कैन कंसिस्टेंटली वर्क कॉन्टिन्यूसली वर्क आर्ट्स वर्क फॉर आर्ट्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर विदाउट ग्रम्बलिंग ये इसमें ऐसा नहीं है कि पाँच घंटे से कंप्यूटर चल रहा है तो वो एरर करना चालू कर देगा ठीक है तो टेलीजेंस जो है वो कंप्यूटर में नहीं होता है वर्सेल्टेलिटी का मतलब होता है कि ये हर जगह काम आता है एवरी फील्ड में ठीक है कैपेबल टू परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी टास्क सारे काम कर लेता है ये और हर जगह पर ये काम आता है ठीक है नेक्स्ट है पावर ऑफ रेमब्रेम तो कंप्यूटर की जो है वो पावर बहुत अच्छी होती है जैसे कि इसमें हार्ड डिस्क रैम रोम जो भी है अगर आप आगे अपन पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज सो कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ठीक है और इट्स फॉरगेट्स और लूज सर्टेन इंफॉर्मेशन ओनली वैन इट आस्क टू डू सो जब हम इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे तभी इससे इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस होती है नेक्स्ट है नो आई क्यू ये नॉर्मल uh, कंप्यूटर्स में जो है भी कंप्यूटर डज ओनली वॉट प्रोग्रामड टू डू उसमें को प्रोग्राम किया जाना किया जाना पड़ेगा पहले वही टास्क वो कर सकता है जो टास्क वो करने के लायक है ऐसा नहीं है कि कोई नया काम कंप्यूटर जो है जो नहीं कर सकता है वो करें ठीक है फर्दर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जो आ, अपनी इच्छा से मनुष्य की तरह काम करें मेमोरी मैपिंग और वो काफ़ी टेक्निक्स हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे नो फीलिंग कंप्यूटर में ऐसी को, कोई कोई फीलिंग होती नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स के अलावा नॉर्मल जो कंप्यूटर उनमें फीलिंग नहीं होती है जजमेंट नहीं होता है इंस्ट्रक्शन के बेस पर उनका जजमेंट होता है अगर आपके इंस्ट्रक्शन सही है जजमेंट सही है इंस्ट्रक्शन गलत है तो जजमेंट गलत है कहने का मतलब कंप्यूटर की गलतियां भी जो है वो यूजर की गलतियां होती हैं कंप्यूटर की गलतियां नहीं होती है अब डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है कंप्यूटर का जो बना कहाँ से कंप्यूटर तो सबसे पहले तो अवेकस uh, नाम का एक, एक लकड़ी का जो है ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसमें काउंटिंग डिवाइस होती है तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी सो so, सबसे पहले जो हिस्ट्री है वो तो यहाँ से स्टार्ट हुई कंप्यूटर की ठीक है सो हिस्ट्री तो कंप्यूटर की यहाँ से स्टार्ट हुई थी लेकिन मेन uh, मेन जो फीचर्स है, हैं मेन मेन जो कंप्यूटर्स हैं उनको अपन अगर पढ़ें तो ब्लेज पासकल ने इन्वेंट किया था मशीन एडिंग डिवाइस पासक्लाइन कैलकुलेटर जिसको कहते हैं ठीक है so, सो कैलकुलेटर ये आप याद रखना सोलह सौ बयालीस में कैलकुलेटर बनाया था एडिंग डिवाइस जो सिर्फ ऐड करती थी और मल्टीप्लिकेशन करती थी फिर वेर गोड फायर्ड बिलहम वन लेनीज इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट कैलकुलेटर फोर मल्टीप्लिकेशन ठीक है सो so, इसको बोलते हैं लेवनीज कैलकुलेटर ठीक है सो so, ये जो कैलकुलेटर था जो एडिंग डिवाइस थी मशीन एडिंग डिवाइस थी ये उसमें सिर्फ एडिशन होता था और इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता था कंप्यूटर में सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता कंप्यूटर में प्लस ही मल्टीपल टाइम होता है तो ऐजे वो रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है कीबोर्ड मशीन ओरिजिनेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ये इंपॉर्टेंट है अराउंड 1880 और 1880 में ही हरमन हॉर्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट लाए थे एक पंचकार्ड का पंचकार का कॉन्सेप्ट जो है हरमन हॉर्ट लाई ये इम्पोर्टेंट है दैट वर एक्सटेंसिवली यूज इन इनपुट मीडिया अनटिल 1970 तो इनपुट के तौर पर जो है वो पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे कार्ड को जैसा हुआ करता था उस पर जो पंच करते थे वो इनपुट की तरह काम में आता था चार्ल्स बेबेज कंसिडर्ड टू द फ़ादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ल्स बेबेज़ को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है और इन्होंने डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन 1822 में और इन्होंने एक फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाया था 1842 में जो परफॉर्म करता था बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन ठीक है और हिज अपर्ट एस्टाब्लिश्ड इन ए नंबर ऑफ द प्रिंसिपल दैट आर फंडामेंटल टू डिज़ाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर तो इनका जो मॉडल था डिजिटल इंजन का वो मॉडल जो है वो आज के सारे कंप्यूटर्स में यूज आता है तो बेसिक मॉडल जो है ब्लीज पास्कल के मॉडल को कहते हैं इसीलिए इनको क्या है कि सॉरी चार्ल्स वेबेज और इसीलिए इनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है तो कुछ वेल नॉन कंप्यूटर्स हैं जो देखते हैं अपन एक तो है मार्क वन कंप्यूटर उन्नीस से, से, से में एंड वेरी कंप्यूटर है एक एनीएक है एडवेक ई डी एस एस सी मैनचेस्टर मार्क वन और यूनिवैक इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट तीन तो आपको कम से कम याद रखने ही हैं ठीक है एनी एक इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है अभी डिस्कस करेंगे इसको आगे और इनमें से पूछा जाता है कि ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे ये तो इसको आगे अपन अभी डिस्कस करते हैं अब चलते हैं अपन जनरेशन की तरफ तो जनरेशन की अगर अपन बात करें तो जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ी हिंदी में ठीक है और जनरेशन का बेसिक जो मतलब होता है वो तो ये है और कंप्यूटर की में जनरेशन का मतलब होता है कि एक, एक समय के एक फिक्स समय के कंप्यूटर जिनमें जो डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइस हैं और मेमोरी डिवाइस हैं वो किस तरीके की काम में आती थी तो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो जनरेशन है तो इन कंप्यूटर टॉक टू स्टेप ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री ठीक है तो जैसे फर्स्ट जी के जो कंप्यूटर हैं प्रथम जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन के उनकी जो टेक्नोलॉजी वो सेम थी सेकंड के की सेम थी फिर थर्ड के फोर्थ ऐसे जैसे कि अभी जो है जैसे मोबाइल में जैसे फोर जी नेटवर्क चल रहा है तो फोर जी का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन थ्री जी का मतलब होता है थर्ड जनरेशन टू जी का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन फाइव जी का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन तो इनमें टेक्नोलॉजी का फर्क है टू जी जो है वो अलग नेटवर्क पर काम करती है थ्री जी जो है अलग ने नेटवर ने 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 ये कंप्यूटर नेटवर्क में अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में फाइव जी जो है वो अलग पर करती है और एक और टेक्नोलॉजी होती है जो बोलते हैं एल एक होती है बी ओ एल टी ई ठीक है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन तो ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपन क्या है कि जनरेशन को डिफाइन करते हैं ठीक है सो ऑरिजनली इट वॉज यूज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पहले जो है वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिफ़ाइन करते थे बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पहले क्या है कि सॉफ्टवेयर का, का काम कम था हार्डवेयर में ही इम्प्रूवमेंट हुए थे ठीक है टिल टुडे देयर आर फाइव कंप्यूटर जनरेशन फाइव कंप्यूटर जनरेशन फिफ्थ कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो अभी चल रही है फोर्थ जनरेशन जो है वो कम्प्लीट हो गई सो जनरेशन अपन स्टार्ट करते हैं देखिए ये की पॉइंट्स हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर में फंडामेंटल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो जनरेशन से पूछे जाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 सौ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ठीक है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे मेमोरी थी पंच कार्ड स्टोरेज डिवाइस थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पंच कार्ड मतलब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है पंच कार्ड ठीक है सॉफ्टवेयर की बात करें इसमें मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस थी स्टोरेज प्रोग्राम थे कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंटिफिक एप्लीकेशंस ये भी थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक बात याद रखनी है बस कि मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी अगला पॉइंट है कि वर्क इन साइज मतलब बहुत बड़ा साइज हुआ करता था इनका हाईली अनरिलाइबल प्रथम जनरेशन कंप्यूटर थे तो इन पर विश्वास करना इनका आउटपुट जो है एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी कम थी लिमिटेड कॉमर्शियल थे कॉमर्शियल यूज़ के लिए कम थे ये साइंटिफिक यूज़ और स्टार्टिंग में बनाए थे तो महंगे भी बहुत ज़्यादा थे कॉस्टली थे डिफिकल्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए डिफिकल्ट इसलिए थे क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता था और uh, हर किसी से ठीक है और इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं अभी अपन ने डिस्कस किए थे इनमें से एन एडवेक, एडवैक ई डी एस यूनिवेक फर्स्ट तो इनमें आ जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था ये तो तीन चार जो ई ई ई वाले जो हैं ये याद रखना ई वाले जो हैं वो सारे, सारे के सारे ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं तो ये आपको याद रखना है सेकेंड जनरेशन की बात करूँ सेकेंड जनरेशन में जो की सॉफ्टवेयर जो है की हार्डवेयर जो है सॉरी वो आ गया था ट्रांजिस्टर फर्स्ट में आया वैक्यूम ट्यूब सेकेंड में ट्रांजिस्टर और इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थी इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी मैग्नेटिक टैप एंड डेस्क एंड सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर आ चुके थे की सॉफ्टवेयर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था तो आंसर है सेकंड जनरेशन में ठीक है साइंटिफिक कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए था फास्टर था पहली जनरेशन से फास्टर था साइज़ पहली जनरेशन से कम हो गई थी कॉमर्शियल यूज प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट ठीक है सो so, इससे बेटर कंडीशन हो गई थी हनीवेल फोर्टीन आई वी एम सेवन जीरो थ्री जीरो सी डी सी वन सिक्स जीरो फोर और यूनिवेक एल ए आर सी ठीक यूनिवेक अगर फर्स्ट कहें तो ये इसमें आएगा और यूनिवेक के अलावा कोई सा भी है तो वो आएगा सेकंड जनरेशन में ठीक है थ्री वर्ड्स के जो हैं जैसे कि सेवन जीरो बन है देखो याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ सेवन जीरो बन है इसमें थ्री डिजिट है तो ये आएगा फर्स्ट जनरेशन में और अगर फोर डिजिट आते हैं आई के सेवन जीरो जीरो है तो ये आ जाएगा अपना सेकेंड जनरेशन में देखो इसमें भी फोर डिजिट है ठीक है नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टाइम तक थर्ड जनरेशन जो है वो सक्सेसफुल और कंप्यूटर के लिए क्रांतिकारी मानी जाती है थर्ड जनरेशन सेवेंटी फाइव तक ये चली थी और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इंटीग्रेटेड जो सर्किट हैं जिसको अपन आईसी बोलते हैं ठीक है उनको यूज लिया गया था और आई को डिस्कवर किया था जेम्स केलवी ने ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आईसी को डिस्कवर किया था जेम्स स् ने आई आईसी स्टार्ट हुई थी एसएसआई के लिए एसएसआई सी और एमएसआई टेक्नोलॉजी एसएसआई जो होता है शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन ठीक है सो लार्ज मैग्नेटिक कोर था ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं ऐसा इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आई जो यूज़ हुई थी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनवंडलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द हार्डवेयर फास्टर था स्मॉलर था ये सारे आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी सेकंड जनरेशन से इम्प्रूवमेंट हुआ था इसके जो एग्जाम्पल हैं ये आप पी के हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है सो पीडीपी पी वाले जो कंप्यूटर हैं वो हैं थर्ड जनरेशन के ये आपको याद रखना नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन सो फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट ही यूज हुए थे लेकिन बी टेक्नोलॉजी थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है तो कहने का मतलब पहले जो आई सी इतनी बड़ी आती थी, थी वो पहले अब इतनी सी हो गई और इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें यू एल एस आई आएगी ठीक है सो उसमें बहुत ज़्यादा छोटी हो गई एक ही आई सी पर सारा का सारा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का वो खत्म हो जाता है ठीक है इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ लिए गए थे तो माइक्रो प्रोसेसर पहली बार फोर्थ जनरेशन में यूज लिए थे ये आपको याद रखना है और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल फोर जीरो जीरो फोर ठीक है सो लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क हैं सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो गया था फ्लॉपी डिस्क इंट्रोड्यूस हो गई थी ही पोर्टेबल स्टोरेज भी था ये तो फोर्थ जनरेशन काफ़ी अभी के पहले की ही है ऑपरेटिंग सिस्टम में जी आ गया था एक तो जी तो यू का क्या होता है ये फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी और एक होता है सी यू आई करेक्टर यूजर इंटरफेस ठीक है सो जी आई से पहले था सी यू आई जी आई का मतलब बेसिक सा होता है कंप्यूटर में चित्राना ठीक है पहले जो है वो कंप्यूटर में सिर्फ लाइन लाइन आया करती थी ऐसे आ, नहीं आता जैसे विंडोज जो है वो जी फीचर है और विंडोज से पहले अगर आपने देखा हो कि एम एस डॉस जो आता था वो है वो कैरेक्टर सी यू आई था या फिर कमांड लाइन इंटरप्रिटेड सो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव ऑरिएटेड पी सी नेटवर्क बेस्ड एंड सोपर ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो फोर्थ जनरेशन तक आ चुके थे स्मॉल हैं आराम से अफोर्डेबल हैं जो अपन आज की जनरेशन में देख रहे हैं रिलाईबल हैं इजी टू यूज पी हैं पर्सनल कंप्यूटर्स हैं और आज की तारीख में जितने भी कंप्यूटर हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो फोर्थ जनरेशन के हैं या फिर फोर्थ जनरेशन के फीचर्स uh, जो हैं वो यूज करते हैं सो so, इनमें देखिए आप इंपॉर्टेंट uh, कंप्यूटर्स जो हैं क्रे सीरीज जो है वो पूरी फोर्थ जनरेशन की है ये आपको याद रखना है एप्पल का है और ये बी एक्स के हैं एक दो बाकी क्रे सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा आता है ठीक है क्रे जो है वो सैम्यूल क्रे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये डेवलप किया है पूरा का पूरा सैम्यूल क्रे नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1989 से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था और प्रेजेंट तक ये चल रहे हैं तो आईसी विद यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म है आर uh, सपोर्ट है इसमें ये अपन अभी uh, वो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डिस्कस करेंगे नोटेबल पावरफुल डेस्कटॉप पीसी जो हैं मेन जो बात है वो यही है यू टेक्नोलॉजी और माइक्रोकर्नेल बेस्ड मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड ओ एस प्रोसेसिंग सिस्टम जी जावा जो है ये सारे आप देख लेना इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है की कैरेक्टरिस्टिक पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं और भी ज़्यादा छोटे हो गए हैं कंप्यूटर सस्ते हो गए हैं यूज अच्छा हो गया है इनका और एग्जांपल uh, जो है इसके ये देखते हैं आईबीएम की जो नोटबुक जो आते हैं नोटबुक में बहुत कम वजन होता है साइज छोटी होती है बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है सन माइक्रो सिस्टम के वर्क स्टेशन जो है सन माइक्रो सिस्टम में सिर्फ़ एक तो मॉनिटर होता, होता है और एक की होता है और एक छोटा सा पी होता है बहुत ज़्यादा छोटा सा अपने मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा ठीक है सो वर्क स्टेशन है साइज जो है वो ऑलमोस्ट छोटा हो गया था आई बी एम एस पी टू एस जी एन और परम परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है इंडिया की सीरीज है पर पैरल मशीन नाम पूरा नाम है इसका पैरल मशीन ठीक है सुपर कंप्यूटर में पूरा डिस्कस करेंगे इसको अपन आगे ये देखते हैं वैक्यूम ट्यूब्स जो अपन ने डिस्कस किए तो थे तो वैक्यूम ट्यूब अपन ने यूज़ किए थे फर्स्ट जनरेशन में ठीक है तो ये है वैक्यूम ट्यूब ठीक है वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती है आ, जल्दी गर्म हो जाती है टेम्परेचर था तो कंप्यूटर ऑलमोस्ट तीस से पैंतीस मिनट चलता था उसके बाद बंद हो जाता था तो तीस मिनट में काम करना पड़ता था फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है उसमें ट्रांजिस्टर आए और थर्ड जनरेशन में जो है वो आई सी आई ये आई सी चप है ठीक है अपने कंप्यूटर में जितनी भी चिप लगी रहती है वो सब आई सी चप है ये फर्स्ट आई सी चप है ऑलमोस्ट पहले ऐसी होती थी अब ये बहुत ज़्यादा छोटी होती गई हैं तो आजकल जैसे कि एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी के जो फ़ोन आते हैं उसमें एक सर्किट आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और उस सर्किट में रही सारी चीज़ें जो हैं वो असेंबल कर देते हैं यहाँ कैमरा है यहाँ बैटरी है सारी चीज़ें उसी सर्किट में कर देते हैं ठीक है जिसको अपन बोलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर में आपने नाम सुना होगा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड वो होता है जिसमें सीपीयू और उसके साथ कुछ एक कंपोनेंट जो हैं उनको लगाए जाते हैं ठीक है सीपीयू के साथ जैसे कि रैम हैं और भी स्लॉट्स हैं वो अटैच किए जाते हैं तो इनको जो है अपन कहते हैं सीपीयू सो so, अब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो इसके जो अपन स्लाइड देखें उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन आगे जैसे जैसे अपन को याद आते जाएंगे या फिर एक क्वेश्चन का जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें अगर अपन को सवाल याद आएंगे तो उससे अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हर एक चैप्टर की एक क्वेश्चन सीरीज जो है वो अपन लेकर आएंगे और इसी के साथ जो पहला जो चैप्टर है अपना जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ठीक है ये अपन का ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट uh, जो है उसमें अपन बेसिक कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है सी का है और एलयू uh, है बाकी कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनपुट डिवाइस डिटेल में उसके बाद आउटपुट डिवाइस पूरा का पूरा डिटेल में कंप्यूटर को अपन ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे सो so, ये आ, अपना यूट्यूब का चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ये हमारे दोनों के दोनों जो चैनल हैं कंप्यूटर अंडर स्कोर सेवन लाइन्स ये जो है कंप्यूटर का चैनल है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और भी पी डॉक्यूमेंट और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिल जाएगी और कंप्यूटर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे हेलिक्स अंडर स्कोर सेवन लाइन ये इंस्टाग्राम अकाउंट है कंप्यूटर के अलावा जितनी भी वीडियो आती हैं जनरल नॉलेज की उनके लिए अपन इसको यूज करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपन लेकर आएंगे सेकेंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की थैंक यू